हेलो फ्रेंड्स, एक और मारधाड़ वाला बिल्कुल मैच खत्म हो गया आज दिल्ली और एसआरएच के बीच में। हमको अंदाजा तो था कि एसआरएच जीतने वाली है, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये, और दिल्ली कुछ भी कर ले एसआरएच का मुकाबला नहीं कर सकती। आज जो मैच हुआ है ये मुझे एक्चुअली अच्छा भी लगता है और खराब भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि ये दोनों में से कोई भी मेरी फेवरेट टीम नहीं है, तो कोई भी जीते कोई भी हारे बस क्रिकेट देखने में मजा आना चाहिए। और अच्छा क्यों नहीं लगा, वो इसलिए कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, हम अपने चैनल पे हमेशा यही बात करते हैं कि यहाँ पे बॉल और बैट के बीच में फेयर कंपटीशन नहीं है। इस तरह के विकेट बनने नहीं चाहिए, जैसे कि बीच में सुनील गावस्कर कमेंट्री में कह भी रहे थे कि एक तो विकेट में कुछ भी बॉलर्स के लिए नहीं है, दूसरी बात यह है कि बाउंड्रीज आपने इतनी ज्यादा छोटी कर दी है कि बल्लेबाजों का दिल वैसे ही दो गज चौड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर 80 मीटर की बाउंड्री होती है ना, तो फिर बल्लेबाज की हिम्मत नहीं होती है छक्का मारने के लिए, कोशिश करने के लिए। लेकिन जब ये ही बाउंड्री 65 मीटर और 70 मीटर की हो जाती है ना, तो बल्लेबाज फिर 100-100 मीटर के छक्के मारते हैं, क्योंकि फिर उनको डर नहीं है ना कि मिसहिट भी होगा तो छक्का तो जाना ही है, और उसकी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंटली शॉट मारते हैं। अब आज जिस तरह से मैच हुआ है, यहां तो बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, और इस मैच में जिन बॉलर्स ने अच्छा किया है ना, उनको तो मैं बता रहा हूं सोने में तोल देना चाहिए। अब उनमें से कौन बॉलर्स ऐसे हैं तो वो देखिए। सबसे पहले तो जब एसआरएच की बैटिंग चल रही थी तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने जिस तरह से बॉलिंग की है ना, सिर्फ आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए। इसमें से खैर कोई डाउट ही नहीं है कि कुलदीप यादव तो वर्ल्ड कप की टीम में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरह से बॉलिंग की है, और आप लोगों को अगर याद होगा, अक्षर पटेल ने जो दिल्ली का मुंबई के अगेंस्ट मैच हुआ था ना, उस मैच में जो बॉलिंग की थी इसने, वहां पे भी रोहित शर्मा और ईशान किशन बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे और उसने दोनों को आउट किया था। आज के मैच में जिस तरह से उसने बांध के रखा है, एक्चुअली सबसे पहले तो ब्रेक उसी ने लगाए ना, तो मतलब आज के मैच में अगर कोई बॉलर इस तरह से बॉलिंग कर जाए तो उसका कितना ज्यादा कंट्रोल होगा, उसका कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उसको अपनी बॉलिंग के ऊपर, और कितना उसने दिमाग लगा के बॉलिंग की होगी। क्योंकि देखिए, पहली पारी में जब बैटिंग हो रही थी तो हम देख रहे थे कि बॉल बहुत अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही थी। सेकेंड इनिंग्स में दिल्ली की बदकिस्मती से ना तो ड्यू आई ना कुछ हुआ, बल्कि विकेट हल्का सा स्लो ही हो गया, जिसका कि फायदा एसआरएच के बॉलर्स ने बहुत ज्यादा उठाया। यहां पर मैं लेकिन एक बात और कहूंगा कि ये देखिए, इस आईपीएल में एसआरएच के जितने भी बॉलर्स हैं ना, वो उनको एक्चुअली पैट कमिंस के साथ खेलने का ये फायदा हो रहा है, क्योंकि पैट कमिंस तो आपने देखा, हमने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया है राइट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, पैट कमिंस का स्टाइल है कि वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ और गुड लेंथ पे वो स्लोअर बॉल्स फेंकता है जो कि बैट्समैन के कंधे तक आती है। वो बाउंसर भी नहीं है, वो बाउंसर में भी काउंट नहीं होती है, लेकिन उसको मारना भी आसान नहीं होता है और स्लोअर बह रहती है। आज कितनी बॉल्स उसने 120, 121, 115 की स्पीड पे फेंकी है, और उसके साथ देखा देखी या तो उसने अपने गाइडेंस में खिलाया है नटराजन को, और नीतीश रेड्डी इवन, ये सारे के सारे स्लोअर बॉल्स फेंक रहे थे और जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को मारने में बहुत तकलीफ हो रही थी बाद में बैटिंग करते हुए। खैर, स्कोरबोर्ड का प्रेशर तो था, लेकिन जिस तरह से शुरू में बॉल बल्ले पे आ रही थी, इवन दिल्ली की बैटिंग के टाइम पे भी, बाद में वो थोड़े से 8-9 ओवर के बाद वैसे आना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से शुरू के बॉलर्स की तो पिटाई हो गई, जिसमें कि बदकिस्मती से वॉशिंगटन सुंदर हत्थे चढ़ गया उन लोगों के, मैगर के और पृथ्वी शॉ के, और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी सी अब गलती भी कर दी, वो उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। मतलब इस तरह से तो किसी भी अच्छे खासे बॉलर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। अब पृथ्वी शॉ ने भी थोड़ी सी गलती कर दी, अब वो 4 चौके मार चुका था, उसको कभी कभी ये लगता है जैसे उसने एक बार वो लड़का था ना जो शिवम मावी, उसको जो 25 रन ठोके थे, 5-6 चौके मार दिए थे एक ही ओवर में, वो उसी मूड में आ गया, वो बॉल का ध्यान ही नहीं दिया, उसने आउट हो गया। अदरवाइज वो अगर टिका रहता तो कुछ हो सकता था, क्योंकि आज ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग की है, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऋषभ पंत क्या करना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में आया है बैटिंग करने, कि आज तो मैं बैटिंग करूंगा ही नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो उसका 80-85 का उसका स्ट्राइक रेट चल रहा था। इवन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये ऋषभ पंत क्या कर रहा है ये। मतलब आज के मैच में जहां पे कि 300, 250, 280
इसकी स्ट्राइक रेट से बैट्समैन बैटिंग करने गए हैं, वहां ऋषभ पंत मोस्ट ऑफ हिज इनिंग्स वो 80 की स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, तो मुझे तो यही लग रहा था कि वो शायद बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड है, या तो उसका बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया है, या तो कोच पॉन्टिंग और गांगुली से झगड़ा हो गया है, या उन लोगों ने डांट दिया इसको। क्योंकि देखिए बॉलिंग तो इन लोगों ने अच्छी नहीं की दिल्ली वालों ने। एक आपको अगर याद होगा, एक जो ऐसा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था उस टाइम भी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे थे कि जब इस तरह से बल्लेबाज मार रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, देखिए कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ये लोग जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, जितनी इनके अच्छे बल्ले पे बॉल आ रही है और जितना ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे टच में है बैटिंग के। तो मतलब क्या होता है कि ये लोग तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई बॉल मिस करेंगे, जहां भी शॉट मारते हैं वहां इनके बल्ले के बीचों बीच बॉल आती है, और क्या गजब का प्लेसमेंट होता है। कभी कभी बैट्समैन होते हैं इस तरह से अपने फॉर्म में होते हैं कि जब वो जहां पे भी बल्ला घुमाते हैं तो वो बॉल बल्ले के बीच में ही आती है और फिर वो बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर ही जाती है, और यही जब किस्मत खराब हो जाती है बैट्समैन की तो फिर कोई सी भी बॉल ऐसी हो जाती है कि वो कहीं से भी उड़ जाएगी, फिर एज लग जाएगी, फिर स्लिप में चला जाएगा, या विकेट कीपर के पास चली जाएगी, या फिर अच्छा शॉट भी मारा तो वो एक ही फील्डर कहीं दूर खड़ा होगा उसी के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसा होता है कभी कभी। इस टाइम ये लोग बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और देखिए फॉर्म पलटते देर नहीं लगती है। तो यहां पे कभी भी इतने लंबे टूर्नामेंट में ना किसी भी टीम को बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा एकदम दुखी भी नहीं होना चाहिए, बस ये है कि आपके जो हाथ में है वो आप करते रहे। तो यही बात जब हम कर रहे हैं कि अगर इस तरह के बैट्समैन आपके सामने आ ही जाए आपकी टीम के सामने और आपको ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में बॉलिंग करनी पड़े, तो आप लोगों को याद होगा हमने अपनी चैनल पे कई बार डिस्कस किया है कि देखिए शुरुआत में जब बॉल हार्ड रहती है उस टाइम तो आप स्लोअर बाउंसर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल हार्ड रहती है तो भी इवन बैट्समैन उसको बाउंड्री के बाहर मार सकते हैं। लेकिन इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि अगर आप कोच हो और आपकी टीम के बॉलर्स ऐसे ही टुल्लों के सामने फंस जाए तो आपके पास क्या तरीका है। मुझे लगता है कि आपको अपने बॉलर्स को कहना चाहिए कि भाई आप तो जाके सीधे सब यॉर्कर ही ट्राई करो। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि भैया यॉर्कर अगर मान लो नहीं पड़ी तो छक्का पड़ जाएगा, और ऐसा होता है भाई यॉर्कर अगर 2 इंच छोटी पड़ गई तो छक्का पड़ जाएगा, या फिर फुल टॉस हो गई तो चौका पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए यॉर्कर जब फुल टॉस होती है ना तो वो यॉर्कर ऐसी फुल टॉस नहीं होती है जो कि कमर पे आ जाए या बिल्कुल कन्वीनियंट हाइट पे आए। यॉर्कर अगर फुल टॉस होती है तो वो घुटनों के नीचे ही आती है, घुटनों के नीचे आने वाली फुल टॉस को मारना मुश्किल होता है। तो और खासतौर पे विकेट पे, यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि बॉल विकेट पे ही होनी चाहिए। अगर वो बॉल होती है, मान लीजिए आपकी यॉर्कर नहीं पड़ पाई और फुल टॉस हो गई तो चौका पड़ेगा, और अगर छोटी हो गई तो छक्का पड़ जाएगा। तो देखिए साहब इसके अगेंस्ट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आपने यॉर्कर ट्राई नहीं की तो वो तो वैसे ही छक्के मार रहे हैं, वो तो सारी बॉलों पे वैसे ही छक्के और चौके मार रहे हैं ना, तो और ज्यादा क्या बिगड़ जाएगा आपको। अट्ठा थोड़ी मार देगा कोई बैट्समैन, मारेगा तो छक्का ही ना। तो बेटर है कि अपने आप को एक अच्छा चांस दो आप कि भाई ठीक है हम यॉर्कर ट्राई करते हैं, नहीं पड़ी तो छक्का तो वैसे भी पड़ना है, और अगर यॉर्कर पड़ गई तो हो सकता है कि बैट्समैन आउट हो जाए, और अगर आउट नहीं होगा तो रन नहीं मार पाएगा, भाई इक्का दुक्का ही लेगा कुछ लेगा, या हो सकता है धोखे धड़ाके में डॉट बॉल भी हो जाए और बैट्समैन आउट भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बल्लेबाजों के सामने तो यॉर्कर के अलावा और कोई चारा है नहीं आपके पास इनिशियली, जब तक बॉल हार्ड है। उसके बाद जब 8वें 9वें ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद आप लोग स्लोअर बाउंसर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिर जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो बैट्समैन के लिए मारने में तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि सारे बॉलर्स को यह करना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एसआरएच के अलावा कोई भी इस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बाकी सारे ये मोटे मोटे कोचेस बैठे हुए हैं बाहर सारी टीमों के, ये लोग क्या देखते नहीं है कि एसआरएच के बॉलर्स किस तरह से बॉल कर रहे हैं। अब तो सारी टीमें एसआरएच के अगेंस्ट खेल चुकी है ना ऑलमोस्ट, या अरे खेलने ना खेलने का सवाल ही नहीं है, ये लोग वीडियोस तो देखते हैं ना किस तरह से हो रहा है, या फिर सभी ने वर्ल्ड कप फाइनल तो देखा है ना, उसमें ऑस्ट्रेलियंस ने किस तरह से बॉलिंग की थी इंडियंस के अगेंस्ट, इंडियंस को नहीं मारने दिया ना उन्होंने, और उसकी बॉल वही थी जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ स्लोअर बॉल,
जो कि बैट्समैन के कंधे के उधर से जा रही है, या तो राइट हैंड साइड से जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है, बैट्समैन कुछ कर ही नहीं सकता है। सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज को उन्होंने मारने नहीं दिया, तो यहां बाकी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के इस खेत की मूली है। लेकिन यहां तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पागलों की तरह चले आते हैं, बस लेंथ बॉल लेंथ बॉल लेंथ बॉल। अब आज देखिए, शुरुआत से ही अगर हम देखें तो शुरुआत में खलील अहमद ने जो पहला ओवर डाला है उसमें 19 रन, सारी बॉल लेंथ लेंथ शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ स्लॉट में बॉल, 19 रन पड़े। दूसरा ओवर अब इन्होंने घबरा के इसको दे दिया ललित यादव को। अब ललित यादव देखिए किसी भी हालत में ऐसा स्पिनर नहीं है, ललित यादव को स्पिन करने के लिए विकेट की हेल्प चाहिए, और ललित यादव को मैंने आज तक कभी पावर प्ले में दूसरा ओवर डालते हुए नहीं देखा है। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कभी देखा है? या तो मतलब कोई बहुत ज्यादा पहले से ही आपको पता हो कि कोई स्पिनिंग ट्रैक है और आपने बॉल आसपास उसके विकेट के आसपास डाल के देख लियो कि भैया ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई स्पिन हो जाएगी। अब ललित यादव बेचारा, आपने उसको बलि का बकरा बना के रख दिया, पड़ गए उसके 21 रन, उसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अरे यार, उसके बाद आप देखो, अब आप ये ऋषभ पंत कह रहा है टॉस के टाइम पे कि अरे ईशान शर्मा को जस्ट 5 मिनट पहले ही निगल हो गया है, तो उसकी जगह हमने ले लिया है नोकिया को। अब बताइए आप, एक वो पेटेला नोकिया, मतलब इसकी तो पेट पेट के इसने रिकॉर्ड बना दिया नोकिया ने, और ये नोकिया को शर्म नहीं आती। मुझे बताए आप कि देखिए, ट्रेविस हेड का ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब फाइनल हुआ था ना, जिसमें इंडिया के अगेंस्ट इसने पहले दिन 162 रन बनाए थे ना, पहले ही दिन बना दिए थे इसने, या ऐसा ही कोई स्कोर बनाया था। अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्होंने पहले दिन उसको एक भी बाउंसर नहीं मारा। सबको पता है कि ट्रेविस हेड को बाउंसर खेलने में तकलीफ होती है, तो आप क्या T20 हो गया है इसलिए आप बाउंसर नहीं मारोगे? और तुम फिर तुम्हारी 155 की स्पीड क्या तुम घर में जाके फेंकते हो क्या वो बॉल, जब तुम यहां नहीं फेंक रहे हो या बाउंसर नहीं कर रहे हो? अरे यार, 155 की स्पीड अगर मेरे पास होती ना, तो मैं तो बैट्समैन को डरा डरा के आउट कर देता। कोई भी बॉलर ऐसा हो जिसकी इतनी ज्यादा स्पीड है तो उसको वही करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, ये तो बॉलर को खुद ही गुस्सा नहीं आ रहा, ये नोकिया ऐसा आदमी, इसको मैंने कभी गुस्से में ही नहीं देखा है। ऐसा फास्ट बॉलर किस काम का है जो किसी जो गुस्सा ना करे? अरे गुस्से में घुमा के दो बाउंसर मारे यार, समझ में नहीं आता मुझे किस टाइप का नालायक टाइप का आदमी है ये नोकिया। अरे 155 की स्पीड है, ट्रेविस हेड सामने बैटिंग कर रहा है, पहले ही घुमा के 155 के ऊपर बाउंसर दे, मैं तो कहता हूं होने दे वाइड, लेकिन उसकी गाल के बगल से निकलनी चाहिए बॉल 155 की स्पीड में, या फिर यहां का एक निशाना लेके बॉल फेंक, मतलब बाउंसर, कि बैट्समैन डर जाए कि अरे बाप रे मिस हो गई तो सर फूट जाएगा। वो डर बैट्समैन को होना चाहिए। देखिए, बाउंसर बॉलर करता किस लिए है? बॉलर बाउंसर करता ही बैट्समैन को डराने के लिए है, और कोई वो नहीं है। और वो डर के मारे ही बैट्समैन आउट होते हैं, कोई वो रन बचाने और इसके लिए बाउंसर नहीं किया जाता है, वो बैट्समैन को डराने के लिए किया जाता है। तो उसको फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको फेंकना ही चाहिए, और खासतौर पर जब आपकी 155 की स्पीड पे आप बॉल फेंक सकते हो। इस गधे ने एक भी बाउंसर नहीं फेंका, मैं कहता हूं नोकिया को लगा के पहला बाउंसर फेंको और उसके बाद सारी और कर। अब बैट्समैन को सोचने दो ट्रेविस हेड को कि अब पता नहीं दूसरी बाउंसर ये कब फेंकेगा, उस चक्कर में कुछ तो टेंशन में आएगा। लेकिन यहां तो लेंथ बॉल, अरे यार ओवर पिच बॉल कर रहे हो तुम नोकिया, कितने पिटवाए? 22 रन पिटवाए ना पहले ही ओवर में, मतलब जो तीसरा ओवर था उसमें नोकिया ने 22 रन पिटवाए। बताइए, शर्म छू के नहीं गई है ऐसे ना तो बॉलर्स को, ना इनके कोच वो जो गांगुली और वो पॉन्टिंग बाहर बैठे हुए हैं, क्या सिखा के भेजा है यार? ऐसा बॉलर तुम्हारे पास है और तुम उसकी दुर्गति करवाए दे रहे हो। वो बॉलर बेवकूफ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन भैया तुम भी तो बताओ ना उसको कि करना क्या है। अगले ओवर में फिर ललित यादव को दे दिया आपने, मतलब बिना सोचे समझे। पहले ओवर में आपकी आपकी जान को संतोष नहीं मिला था जब उसको आपने 21 रन पिटवाए थे ललित यादव को, बेचारे गरीब लड़के को? चौथा ओवर फिर उसको दे दिया, उसमें फिर 21 रन पड़े उसके। क्या यार, क्या करेगा बेचारा ललित यादव, क्या कर सकता है? फिर पांचवें ओवर में जाके इनको कुछ सद्बुद्धि आई, तब जाके जब सब पिटपिटा गए, 4 ओवर में 83 रन हो गए, तब जाके इन्होंने कुलदीप यादव को दिया।
अब कुलदीप यादव को खैर पांचों ओवर कभी भी दिया नहीं जाता है, लेकिन अब क्या करें जब सारे पिट गए और इन्होंने पिटवा दिए चार ओवर में 80 रन, फिर क्या करेंगे, फिर तो ये करना ही था इनको। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फिर उस टाइम तो बैट्समैन इतनी ज्यादा मारामारी के मूड में थे कि उन्होंने कुलदीप यादव के पहले ओवर में 20 रन ठोक दिए, फिर छठे ओवर में फिर 22 रन पड़े अपने मुकेश कुमार होल्डिंग के। अब बताइए, आज तो मुझे तरस आ रहा है ये इयान बिशप को मैंने तब से देखा है जब से इसने इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1988 में और जब ये रिटायर हुआ 1998 में। ये 10 साल खेला इंटरनेशनल क्रिकेट, इसको दो कौड़ी की अकल नहीं आई। ये कह रहा है मुकेश कुमार इज अ वेरी गुड बॉलर। जब मुकेश कुमार आखिरी में एंड में बॉलिंग कर रहा था ना, तब ये कहता है मुकेश कुमार इज अ वेरी गुड बॉलर, ही इज एग्जीक्यूटिंग हिज यॉर्कर्स वेरी वेल। अरे भैया, जिस टाइम उनके 7 विकेट हो गए हैं उस टाइम तो कोई भी कर लेगा अच्छी बॉलिंग, और ऐसी कौन सी अच्छी बॉलिंग कर दी मुकेश कुमार ने? पहले ओवर में पिटवाए 22 रन, ठीक है, उसके बाद मुकेश कुमार ने फेंका है 14वां ओवर, उसमें दिए इसने 10 रन। उस टाइम तक एसआरएच के 4 विकेट हो चुके थे। जब ये पहला ओवर फेंका उसने तब उसके एसआरएच का एक भी विकेट नहीं गिरा था, उसमें 22 रन ठोके थे। जब 4 विकेट हो गए और ये बॉलिंग करने आया तो इसने फिर से 10 रन दिए 14वें ओवर में। फिर उसके बाद ये आया 18वें ओवर में, उस टाइम तक 5 विकेट हो चुके थे, इसका मतलब छठा और 7वां नंबर का बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। उस टाइम इसने फिर 9 रन दिए और लास्ट ओवर आपको पता है, लास्ट ओवर इसने फेंका, इसमें फिर से 16 रन दिए इसने। मतलब 4 ओवर में तुमने यार अच्छे खासे 4 ओवर में 57 रन दिए हैं मुकेश कुमार ने, ये इयान बिशप का वेरी गुड बॉलर। मैं कह रहा था आपसे, आप लोगों को याद है प्रीव्यू के टाइम पे मैं कह रहा था कल कि अभी आने तो मुकेश कुमार को इनके सामने एसआरएच के सामने 4 ओवर में 70 रन पड़ेंगे, ये तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये बहुत सही टाइम पे बॉलिंग करने आया जब उनके 4 विकेट हो गए थे और 7 विकेट हो गए थे। ऐसे में तो आखिरी के बल्लेबाज खेल रहे हैं तो फिर तो क्या है, कोई भी बॉलिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन ये फिर भी अपनी औकात दिखा के गया है मुकेश कुमार। क्या यार, इसको कौन बॉलर बोलता है यार, इसको भगा देना चाहिए, इसको स्टेडियम के आसपास नहीं आने देना चाहिए। क्या बॉलिंग की है इसने? बात उन लोगों की है जो ओपनर्स को बॉलिंग कर रहे थे, बात उन लोगों की है जो जिस टाइम तुल्ले क्लासेन और ये, मतलब आप इनको देखो, अक्षर पटेल ने कब बॉलिंग की है? अक्षर पटेल ने पहला ओवर डाला है 8वां ओवर डाला है जिसमें उसने सिर्फ 5 रन दिए हैं, अजीब सी बात है यार। कुलदीप यादव ने 7वां ओवर डाला, उसमें 2 विकेट ले लिए उसने, आपके अभिषेक शर्मा और मार्करम दोनों को आउट किया उसने। ये होती है बॉलिंग जिस टाइम जबरदस्त चढ़ के बैटिंग कर रहे हो, बैट्समैन बुरी तरह से 15-16-17 के रेट से पिटाई कर रहे हैं, उस टाइम जो बॉलर्स करते हैं बॉलिंग और जो विकेट लेते हैं, बात उनकी है। अरे भैया, ये मुकेश कुमार को भैया भूल के भी सोच मत लेना आप इंडियन टीम में लेने का, ये बहुत बुरी तरह से आप ये सेंचुरी लगवा देगा ये T20 में, क्या बात कर रहे हो आप। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी इंडियन टीम को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अपनी टीम के बारे में कि ये किसको ले जाएंगे बल्लेबाजी में, और ये क्या चलने वाली नहीं है भैया, ये बल्लेबाजी जो इंडियंस करते हैं ये बिल्कुल नहीं चलेगी, इनको बहुत ज्यादा, आप सोचिए आपको ये इस तरह के बैट्समैन मिलने वाले हैं वहां, क्लासेन और निकोलस पूरन और ट्रेविस हेड और ट्रिस्टन स्टब्स, ये मैकगर्क भी मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में। किस तरह से बैटिंग हो रही है भैया यहाँ क्या, और बॉलर्स ऐसे नहीं चाहिए जो कि एक चौका पड़ने के बाद जिनका सड़ा सा मुंह बन जाए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ दम चाहिए बॉलिंग करने के लिए। इस तरह की बैटिंग हो रही है, इस तरह का क्रिकेट हो रहा है यहाँ, आसान काम नहीं है ये छोटे दिल वालों का नहीं, छोटे मतलब कमजोर दिल वालों का नहीं है, रह गया है अब ये गेम, बहुत मुश्किल गेम है। सोचिए आप 20 ओवर में 266 रन, वो तो आखिरी में इनके विकेट गिर गए थे इसकी वजह से, और विकेट गिरे तो भी लिए तो बेचारे वो ही कुलदीप यादव ने ही ना, मुकेश कुमार ने क्या उखाड़ा, वो कुलदीप यादव ने जो विकेट लिए उसके चक्कर में मुकेश, ये इसको मुकेश कुमार को फायदा हुआ है कि इसको रन ज्यादा नहीं पड़ पाए। अगर विकेट कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने नहीं लिए होते तो इसके पक्का 85 रन पड़ते मुकेश कुमार के। यार पता नहीं कौन इसका इसको पसंद करता है और कौन इसको सिलेक्ट करता है यार। एक तो ये आता ही बॉलिंग करने जब है तो इसके बाल ऐसे खड़े रहते हैं कि मुझे लगता है साला डर के मारे तो तेरी जान निकल रही है, लेकिन बात मतलब एटीट्यूड से तो ऐसा दिखता है जैसे कि पता नहीं क्या कर देगा। और वो बिशप जैसे इनके ये कमेंटेटर्स कुछ तो भी बकवास करते हैं, इन लोग कुछ मालूम नहीं है,
बिशप बोल रहा है, अरे बिशप मुझे लगता है ये चाहता है, ये भी हो सकता है शायद ये बिशप चाहता है कि इंडिया ले जाए इसको, मुकेश कुमार को, और वेस्ट इंडीज की टीम इसके चार ओवर में 100 रन ठोके, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भैया सारी पॉलिटिक्स चलती है, ये हैं तो विदेशी ना कमेंटेटर्स, कर देते हैं घटिया लोगों की तारीफ, कुछ भी किसी की भी तारीफ कर दो, इसकी तारीफ कर दो मुकेश कुमार की, इंडियंस ले जाएंगे इसको, फिर वहां इसको पकड़ के कूटेंगे हम कोने में ले जाके, अरे क्या यार। उसके बाद दिल्ली, अच्छा उसके पहले हम जरा बात कर लें कि बॉलर्स ने क्या किया बेचारे, 3 ओवर में 51 रन, खलील अहमद ने आज बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, वही लेंथ बॉल कर करके कोई फायदा नहीं। ललित यादव की तो कोई गलती ही नहीं थी, 2 ओवर में 41 रन पड़े उसके, उसकी तो बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा बहुत गलत फंस गया। और ऋषभ पंत ने और ये पॉन्टिंग और गांगुली ने बहुत गलत बॉलिंग दिलवाई उसको पावर प्ले में, और वो भी 2-2 ओवर। फिर नोकिया 3 ओवर में 31 रन, पहले ओवर में पिटने के बाद में इसने सही कर दी फिर भी थोड़ी सी बॉलिंग, लेकिन 3 ही ओवर क्यों किए भैया तूने, क्या है यार, मतलब स्पीयर हेड बॉलर है, इतना फास्टेस्ट बॉलर है अपनी टीम का, 3 ही ओवर। कुलदीप यादव 4 ओवर में 55 रन 4 विकेट, शुरू में इसको पीट दिया क्योंकि शुरू में तो वो, अब देखिए जब सामने वाली टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा है और वो वैसे ही 80 पे पहुंच गए हैं तो फिर तो क्या, फिर तो सभी की पिटाई होनी है ना। ऐसे में कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है वो तो मतलब इट इज रियली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, क्या गजब बॉलिंग की है, एक्चुअली ही ब्रॉट हिज टीम बैक इन द गेम, अदरवाइज तो ये 300 के ऊपर पहुंचा देते स्कोर। फिर मुकेश 4 ओवर में 57 रन, अरे यार क्या है, आकथू टाइप की बॉलिंग करता है ये, मैं बता रहा हूं आपको, पता नहीं 4 ओवर में 29 रन अक्षर पटेल, माय गॉड अनबिलीवेबल बॉलिंग की है इसने, और ये कर रहा है पूरे आईपीएल में कर रहा है। मैं फिर से आपको ये याद दिलाऊंगा मुंबई के अगेंस्ट इसने क्या बढ़िया बॉलिंग की थी, मतलब ये अपना दोनों ओपनर्स को आउट किया था जब इसने, रोहित शर्मा और ये अपना ईशान किशन, वो भी दोनों भयानक पीट रहे थे, क्या आउट किया रोहित शर्मा को तो बाहर निकाल के और स्टंप करवाया, बोल्ड हो गया था हालांकि वो, ईशान किशन का खुद कॉटन बोल्ड किया, गजब की बॉलिंग कर रहा है अक्षर पटेल, इज इन वेरी गुड फॉर्म फॉर बॉलिंग, तो इसको तो मेरी तरफ से तो ये है टीम में इस टाइम, तो मैं ये कहूंगा कि जडेजा से बेटर कर रहा है बॉलिंग, जडेजा नहीं थी बिल्कुल अक्षर पटेल के लिए, और जडेजा जो है उसको हेल्प चाहिए रहती है विकेट से, लेकिन ये बहुत अच्छी बॉलिंग की। बस उसके बाद तो क्या, फिर ये अपने पृथ्वी शॉ ने 16 रन बनाए, डेविड वार्नर ने भी बहुत ही निराश किया है इस पूरे आईपीएल में, बहुत ही गड़बड़ किया है। मैकगर्ग ने 18 बॉल में 65 रन, बड़ा जबरदस्त ठोका। अब ये जैसे देखिए कल हम प्रीव्यू में बात कर रहे थे कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इसको चलने देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इन्होंने ना वॉशिंगटन सुंदर को गलत लगा दिया यार, तो मैकगर्ग के सामने ऑफ स्पिनर को क्यों लगा रहे हो यार, लगा नहीं था तो मार्कंडे को लगाते ना, मार्कंडे उसके लिए एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो सकता था मैकगर्ग के लिए लेग स्पिनर, लेकिन तुमने तो ऑफ स्पिनर, और वो ऑफ स्पिनर भी मतलब वो खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो बेचारा पहले तो मैच खेलने आया है, पहला मैच खेलने आया है, उसको पावर प्ले में लगा दिया, और आपको तो पता है कि जब सामने हमने 267 का स्कोर लगा रखा है तो बैट्समैन तो मारने ही वाला है, पहले ओवर के बाद भी अब आपने फिर उसको दूसरा दे दिया ओवर। ऋषभ पंत ने तो अच्छा खासा सत्यानाश करके पटक दिया पूरा, कुछ भी था नहीं। अभिषेक पोरेल ने काफी कोशिश की, लेकिन अब वो है लिमिटेशन है अभिषेक पोरेल की, मतलब वो एक तो प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ हो नहीं सकता था, वो ज्यादातर टाइम तो खैर मैकगर्ग के साथ खेला, मैकगर्ग तो लेकिन 18 बॉल के बाद ही आउट हो गया। फिर उसके बाद तो क्या है, ट्रिस्टन स्टब्स भी आज चल नहीं पाया, ट्रिस्टन स्टब्स को रेड्डी ने आउट कर दिया, रेड्डी ने अच्छी बॉलिंग की, उसने बैटिंग भी अच्छी की थी, रेड्डी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रेड्डी कैन बी अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बस फिर हो गया खत्म मैच में क्या है, ऋषभ पंत ने थोड़ा सा निराश ही किया आज, पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसने रन ठीक से बनाए नहीं। इन लोगों की बॉलिंग में देखिए, वॉशिंगटन सुंदर 2 ओवर में 46 रन, भूवी 4 ओवर में 33 रन, पैट कमिंस 4 ओवर में 35 रन, नटराजन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, देखिए नटराजन वही करता है, नटराजन यॉर्कर और स्लोअर बॉल, बस जो हम हमेशा से डिस्कस करते रहते हैं नटराजन बिल्कुल वही बॉल करता है, तो ये अच्छा है, अपनी एकेडमी जो चलाता है ना उसमें भी ये बॉलर अच्छे प्रोड्यूस करेगा,
लेकिन ये भैया केवल स्लोअर स्लोअर नहीं, वो तेज बॉल भी बता देना बच्चों को कि तेज बॉल भी करनी आनी चाहिए, तेरी तरह नहीं 120-121 पे उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं काम। मयंक मारकंडे 2 ओवर में 26 रन, हालांकि 2 विकेट मिल गए। शाहबाज अहमद जितने उसने रन बनाए 1 ही ओवर में पिटवा दिए। और नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 17 रन दे के 2 विकेट। नीतीश कुमार अच्छा है, अच्छा लगा ये लड़का मुझे। तो कुल मिला के चलिए ये तो हार गए, ये बेवकूफी बहुत ज्यादा कर दी ऋषभ पंत ने, बहुत ज्यादा डिले कर दिया। पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा था इसका मन ही नहीं है खेलने का आज। अरे भैया कुछ तो करता है यार, ये डिफरेंस ही कम कर लेता है, ऐसे क्या खेल के गया है, कितने 68 रन से मैच हार गए तुम लोग, तुमने अपना कबाड़ा कर लिया यार। अब देखिए क्या हो गया इन लोगों का, पहला विकेट इनका गिरा 16 पे, दूसरा 25 पे, तीसरा 109 पे, चौथा 135, पांचवा 154, छठा 166 पे ललित यादव, सातवां 199 पे, और 199 पे ही सारे गिर गए बाद में। वो आखिरी में तो कर वो 19वां ओवर तो नटराजन ने मेड़े नहीं फेंक दिया और 3 विकेट ले लिए उसमें। तो अब क्या हो सकता है, अब देखिए टेबल का क्या हाल हो गया है। टेबल में तो जबरदस्त इन लोगों ने छलांग लगा दी एसआरएच ने। अब ये कल तो कितने चौथे पांचवे नंबर पे थे, आज ये सीधे दूसरे नंबर पे आ गए। और राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, केकेआर तीसरे नंबर पे, और अब सीएसके चौथे नंबर पे पहुंच गई है। अब सीएसके धीरे धीरे मुझे लगता है 4 से बाहर ही हो जाएगी, अगर इन्होंने ढंग से अभी सुधारी नहीं ना अपनी बैटिंग। अब इनको कुछ करना पड़ेगा, हवा भरनी पड़ेगी रचिन रविंद्रा में, डेरिल मिचेल में, कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा, या फिर अब रहाणे को बोलना पड़ेगा कि यार तू कुछ कर, बिल्कुल सर पे बांध के जा पट्टा वट्टा और घुमा बल्ला, कुछ तो कर, ऐसे नहीं चलेगा काम, ये जरूरत से ज्यादा स्लो खेल रहे। कल एक भाई साहब आए, वो बड़े नाराज होने लगे मेरी उससे, जो कल के मैच में मैंने सीएसके की एनालिसिस की थी कि सीएसके का अब हमको ऐसा लगता है कि आगे जाके हालत खराब होने वाली है सीएसके की, क्योंकि अब धोनी भी नहीं रहेगा और इनको अपनी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो वो एक भाई साहब थे, पता नहीं वो उनने अपना नाम तो नहीं लिखा, अज्ञात लोग बन के आते हैं ये कमेंट लिखने, क्योंकि वो पता नहीं क्या डरते हैं या क्या होता है, और उसमें लिख रहे हैं कि नहीं आपने तो बड़ी बेकार एनालिसिस की। भैया ऐसी क्या बेकार एनालिसिस की, मैंने तो वही कहा जो दिख रहा था मैच में, कि सीएसके की बैटिंग में दम नहीं नजर आ रहा है। और सीएसके का देखिए, अगर मुझसे मतलब अगर मैं सबसे बड़ा फैन नहीं हूं तो मैं किसी फैन से कम भी नहीं हूं। हम पागलों की तरह सीएसके को फॉलो करते हैं, और बेसिकली तो हम धोनी को पसंद करते हैं, इसलिए हम सीएसके को पसंद करते हैं। तो अदरवाइज सीएसके में हमारे लिए क्या अट्रैक्शन है, तो वो धोनी की वजह से है। तो ऐसा नहीं है, सीएसके को हम भी उतना ही पसंद करते हैं, लेकिन जो सच्चाई, देखिए हमारे चैनल पे हम हमेशा फेयर बात करते हैं, जो दिख रहा है सामने वही बोलेंगे ना। अब वो धोनी भी गलती करेगा तो हम धोनी की भी गलती बोलेंगे ना। धोनी ने ऐसा नहीं है कि गलती नहीं की है, धोनी ने बहुत बड़ी गलती की थी एक बार, याद है आप लोगों को, एक बार नहीं बल्कि शायद 2 बार वो अंपायर से लड़ने आ गया था ग्राउंड में। उस टाइम तक तो खैर हमारा चैनल नहीं था, लेकिन हमने उस टाइम भी क्रिटिसाइज किया था कि ये बात गलत है, धोनी को नहीं करनी चाहिए थी। अपने पूरे करियर में धोनी ने बिल्कुल कोई ब्लेम नहीं लिया है, तो ये क्यों करना है यार आईपीएल में, आप अंपायर से लड़ने ग्राउंड में नहीं जा सकते हो। तो वो ऐसा है नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, सीएसके हो या दिल्ली हो या कोई भी हो, और अगर कोई अच्छी बात करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच टीम ही बिलोंग्स टू। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहां हम सही बात करने बैठे हैं। अगर हम सही बात नहीं करेंगे ना तो हमको ये चैनल बंद ही कर देना चाहिए। यहां पे हम किसी की चमचागिरी करने नहीं बैठे हैं और किसी को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करने भी नहीं बैठे हैं, यहां पे हम फेयर बात करते हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं कभी कुछ गलत बात कर रहा हूं तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट करिए, लेकिन पॉइंट के साथ बताइए कि नहीं आप ये गलत बात कर रहे हैं। और अगर देखिए हम कोई परफेक्ट नहीं है, कभी कुछ गलती हो भी सकती है, तो वो हो सकता है कि ओवरसाइट की वजह से हो जाए, लेकिन इंटेंशनल नहीं होती है। कभी भी किसी के बारे में हम गलत बात नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो जो कुछ हमें दिखता है मैदान में और जो हमारा जो एक्सपीरियंस है खुद का खेलने का और क्रिकेट देखने का, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। अब आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज के गवाह होंगे कि हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग स्लोअर बाउंसर क्यों नहीं मारते हैं, जो पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप में मारे थे इंडिया के अगेंस्ट,
वो क्यों नहीं करते हैं? आज देख लीजिए एसआरएच के हर मैच में जो 8वें ओवर से 15वें ओवर तक बॉलिंग होती है उसमें मैक्सिमम वही बॉलिंग होती है। तो ये हमारा भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना, देखने का भी है, खेलने का भी है और हम ऑब्जर्व करते हैं ना। तो अब इसमें ऐसी कोई बात थोड़ी है कि हम एसआरएच कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं अब आज एसआरएच ने बहुत अच्छा किया तो हम बोल रहे हैं। हालांकि एसआरएच हमारी फेवरेट टीम नहीं है और ऋषभ पंत हमारा फेवरेट प्लेयर है लेकिन उसने आज बहुत गंदी बैटिंग की, तो फिर तो क्रिटिसिज्म तो होगा ना। और फिर अब अगर हम यहां बैठ के नहीं करें क्रिटिसिज्म तो ये तो गलत हो जाती है ना बात, फिर बात फेयर नहीं रहती है। तो बात वही है कि चैनल का नाम जरूर बायस्ड एनालिस्ट है लेकिन हमारी एनालिसिस फेयर ही होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आती होगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आपको क्या लगता है कि आज एसआरएच ने बहुत अच्छा खेला या दिल्ली बहुत ज्यादा खराब खेली। और कल के जो दो मैचेस हैं उसके बारे में आप बताइए कि कौन जीतेगा। पहला मैच तो है आरसीबी और कोलकाता के बीच में और दूसरा है पंजाब और जीटी के बीच में। अब पहला मैच जो है अब आरसीबी और कोलकाता, बताइए क्या होगा इनका यार, किनका? को केकेआर का नहीं, आरसीबी का। केकेआर तो बहुत ज्यादा रन पीट पाट देगी इनके अगेंस्ट, इनकी बॉलिंग बिल्कुल चल नहीं रही है। आरसीबी की पता नहीं क्या होगा और अगर बैटिंग में कुछ गड़बड़ हो, बैटिंग असल में ये लोग ना स्पिनर के आगे मार खा जाते हैं। अगर कहीं ये विराट कोहली और फाफ आउट हो गए ना, ये सुनील नारायण वगैरह के अगेंस्ट, और ये बात पता है ना, ये इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी कि स्पिनर्स के आगे फंसते हैं ये लोग, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। इनको अगर मैं हूं ना गौतम गंभीर की जगह, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, उसको तो अक्कल है नहीं दो पैसे की, वो तो कप्तान फालतू में फर्जी कप्तान बन के बैठा हुआ है। गौतम गंभीर अगर की जगह अगर मैं हूं तो मैं उसको पहले ओवर से लगा दूं, एक तरफ से सुनील नारायण एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती, ये पावर प्ले में दोनों आउट हो जाएंगे, विराट कोहली भी और फाफ भी। बस एक बार आपने उन दोनों को धर लिया ना पावर प्ले में, आरसीबी 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। ना तो कोई दिनेश कार्तिक चलने वाला है ना कोई चलने वाला है, कुछ नहीं चलेगा। जब शुरू में ये दोनों अगर आउट हो गए ना, ये अभी तक ही होता है, ये दोनों तीनों चलते रहते हैं भाई, कोई ना कोई तो एक चलता है इनका। देखिए कल मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, चाहे अब दिन का मैच है, चाहे आरसीबी पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, इनका हारना तो 95% तो तय है। अब ये बाकी 5% को कितना घसीट के ले आते हैं, मतलब कितनी फाइट कर लेते हैं, ये कल पता चलेगा। तो कल वैसे भी दो मैच है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी एनालिसिस करना, देखेंगे अपन। फिर दूसरा मैच जो शाम को है वो पंजाब और जीटी। अब जीटी के साथ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जीटी के साथ भी है और पंजाब के साथ भी है। पंजाब के साथ शिखर धवन की वजह से था लेकिन अब शिखर धवन अगर नहीं खेल रहा है और दूसरा प्रीति जिंटा की वजह से, तो अब इस मामले में भी मेरा आज की तरह ही हो जाएगा कि दोनों में से अब जो भी जीत जाए तो जीत जाए, क्या कर सकते हैं। और लेकिन जिस तरह से पंजाब वाले कुछ आखिरी की बैटिंग अपनी इन्होंने इम्प्रूव की है, हो सकता है कि कल पंजाब जीत जाए। पंजाब का पलड़ा मुझे 55-45 से थोड़ा सा भारी लग रहा है क्योंकि वहां अब क्या कह सकते हैं क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे पंजाब का पलड़ा भारी लग रहा है, पंजाब जीत जाएगी कल। क्योंकि जीटी तो काफी वीकनेस नजर आ रही है मुझे, बैटिंग में तो बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है, गुल गिल के अलावा किसी के ऊपर उम्मीद है नहीं। चलिए देखेंगे, मिलेंगे कल के दोनों मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।